स्कूली छात्रों के लिए जरूरी खबर। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है, जिसमें बोर्ड एग्जाम्स को लेकर तीन बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला और बड़ा बदलाव तो यह है कि अब से बोर्ड एग्जाम्स साल में एक बार नहीं, दो बार होंगे। दूसरा बदलाव यह है कि अब 11वीं और 12वीं कक्षा में स्ट्रीम के आधार पर विषय चुनने की बाध्यता खत्म होगी। और तीसरा बदलाव यह है कि 11वीं और 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स को अब दो भाषाएं पढ़नी होंगी। यह बदलाव अगले अकेडमिक सेशन यानी वर्ष 2024-25 से लागू होंगे। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन तीनों बदलावों से क्या होगा और इन बदलावों से छात्रों को क्या फायदा होने वाला है, तो अब एक एक करके हम आपको ये भी समझाते हैं और इन बदलावों का मतलब भी बताते हैं। पहला और सबसे बड़ा बदलाव तो यही है कि अब साल में सिर्फ एक बार नहीं बल्कि दो बार बोर्ड एग्जाम्स होंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये सेमेस्टर सिस्टम की तरह होगा, यानी साल में दो बार एग्जाम्स होंगे और दोनों एग्जाम्स के लिए नंबर्स जोड़कर फाइनल रिजल्ट तैयार होगा, तो ऐसा नहीं है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है, ये हम आपको समझाते हैं। पॉइंट नंबर वन, अभी होता यह है कि साल में एक बार बोर्ड एग्जाम होता है और अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो जाए तो उसे अगले पूरे साल उसी कक्षा में दोबारा पढ़ना पड़ता है। नए बदलाव के बाद अब स्टूडेंट्स के पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो दो बार एग्जाम्स दे, अगर एक बार फेल हो भी जाए तो उसी साल दूसरा एग्जाम दे सके। यानी नए बदलाव के बाद अब फेल होने वाले स्टूडेंट्स का पूरा साल बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि पहले एग्जाम में फेल होने पर भी उनके पास उसी साल दूसरा एग्जाम देकर पास होने का विकल्प होगा। पॉइंट नंबर दो, अभी होता यह है कि अगर किसी विषय में कम नंबर आ जाएं, तो यह विकल्प नहीं होता कि सिर्फ उस विषय का दोबारा पेपर दिया जा सके। लेकिन नए बदलाव के बाद अगर किसी स्टूडेंट के पहले एग्जाम में किसी विषय में कम नंबर आए तो वो दूसरे एग्जाम में सिर्फ उसी विषय का पेपर दे सकता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए अगर बोर्ड के एग्जाम में आपके टोटल 95% मार्क्स हैं, लेकिन एक विषय में 85 नंबर आए हैं जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो नए बदलाव के बाद आप दूसरे एग्जाम में सिर्फ उसी विषय का पेपर दे सकते हैं। पॉइंट नंबर थ्री, अभी साल में एक बार ही बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं और स्टूडेंट की तैयारी हो या ना हो एग्जाम में बैठना पड़ता है। लेकिन नए बदलाव के बाद विकल्प होगा, अगर स्टूडेंट को लगता है कि वो पहले एग्जाम में सिर्फ दो विषयों के पेपर देना चाहता है क्योंकि बाकी विषयों का पेपर देने के लिए उसकी तैयारी पूरी नहीं है, तो वो ऐसा भी कर सकता है। स्टूडेंट्स के पास ये चॉइस भी होगी कि दोनों एग्जाम में से जिस एग्जाम में उसके ज्यादा नंबर आए वो उस एग्जाम का रिजल्ट चूज कर सकता है। सरकार का कहना है कि दो बार बोर्ड एग्जाम का नियम स्टूडेंट्स के हित में जारी किया गया है ताकि बोर्ड एग्जाम्स का डर और खौफ स्टूडेंट्स के दिल से निकाला जा सके। इस नए पैटर्न पर हमने एनसीईआरटी के पूर्व डायरेक्टर जेएस राजपूत से बात की है। दो बार की परीक्षा की बात कही गई है, इस समय जो करिकुलम फ्रेमवर्क बना है उसमें उसको दोहराया गया है। अब इसकी मॉडलिटीज क्या होंगी ये सीबीएसई तय करेगी, सीबीएसई करेगी, बाकी बोर्ड्स तय करेंगे। कई संभावनाएं हैं जो अगले दो तीन दिन में आपके सामने आ जाएंगी। जैसे अगर किसी बच्चे ने परीक्षा दी है, मान लीजिए जिसको हम एनुअल एग्जामिनेशन कहते हैं बोर्ड का, तो उसके पास ये विकल्प खुला रहेगा कि वो जिस विषय में चाहे उस विषय में अगली जो परीक्षा होगी बीच में उसमें फिर से बैठ जाए, उन विषयों में बैठ जाए, और जो अच्छे नंबर होंगे या इसमें लिखा भी है वो उसके फाइनल मार्क्स माने जाएंगे। तो इससे बहुत बड़ा तनाव कम होगा बच्चों में कि मैं अगर किसी विषय में किसी एक दिन विशेष पर अच्छा नहीं कर सका तो मेरे लिए विकल्प खुले हुए हैं और अच्छे विकल्प खुले हुए हैं। कोई ये नहीं कहेगा, जैसे अभी बच्चे सप्लीमेंट्री में बैठते हैं तो बच्चों में भी एक हायरार्की होती है, अगर कोई सप्लीमेंट्री से पास करता है तो दूसरा वाला जिसने सप्लीमेंट्री नहीं दी वो समझता आई एम बेटर, तो ये चीज खत्म हो जाएगी। अब क्या होगा, इस पर कोई कुछ नहीं, सभी के लिए खुला है। मान लीजिए आपके 90 नंबर हैं और आपको लगता है आपके 95 आने चाहिए तभी आप बैठ सकते हैं, किसी के 55 है उसे लगता है मेरे 70 आने चाहिए वो भी बैठ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा वो है। देखिए पूरी जो नई शिक्षा नीति और इस समय एक्सरसाइज हुई है वो सारी की सारी कुछ चीजों पर है। परीक्षा पदे से बच्चों में तनाव, पहला
दूसरा जो प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएं, जैसे बहुत सी परीक्षाएं ना जिनके लिए लोग कोटा जाते हैं और जगहों जाते हैं, प्राइवेट कोचिंग में जाते हैं, वो एक तनाव का बहुत बड़ा जरिया है देश में बच्चों के, उसके लिए भी समाधान निकालने की बात कही गई है और उस पर चर्चा की जानी चाहिए। तो ये हुई बोर्ड एग्जाम के पैटर्न में होने वाले बदलाव की बात। अब बाकी के दो बदलाव जो नई शिक्षा नीति के तहत होने वाले हैं वो भी आपको बताते हैं। एक और बड़ा बदलाव ये हुआ है कि अब 11वीं और 12वीं में स्ट्रीम सेलेक्ट करने की बाध्यता खत्म हो जाएगी। अभी 11वीं में स्टूडेंट्स को एक स्ट्रीम चुननी होती है, जैसे कि साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, और फिर उस स्ट्रीम में शामिल विषयों में से ही चुनाव करना होता है। लेकिन अब स्ट्रीम सिस्टम को ही खत्म कर दिया जाएगा और कोई भी विषय चुनने की आजादी स्टूडेंट्स को मिलेगी। उदाहरण के जरिए इसका मतलब आपको समझाते हैं। अगर अभी किसी स्टूडेंट ने साइंस साइड चुनी तो वो हिस्ट्री का विषय नहीं ले सकता, और अगर किसी ने कॉमर्स साइड चुनी तो केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकता। इसी तरह किसी ने आर्ट साइड चुनी तो वो स्टूडेंट अकाउंट्स या बायोलॉजी विषय नहीं ले सकता। लेकिन अब ये सारी बाध्यता खत्म हो जाएगी। स्टूडेंट्स चाहेंगे तो केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकेंगे और अकाउंट्स के साथ साथ फिजिक्स का विषय भी ले सकेंगे। और तीसरा बदलाव ये किया गया है कि नए पाठ्यक्रम के मुताबिक 11वीं और 12वीं कक्षा में अब दो भाषाएं पढ़नी होंगी। नए पाठ्यक्रम में कहा गया है कि जो दो भाषाएं पढ़नी जरूरी होंगी उनमें एक भारतीय भाषा होनी जरूरी है। अभी सिर्फ एक भाषा पढ़ना अनिवार्य है और वो भाषा भारतीय या विदेशी हो सकती है, लेकिन अब स्टूडेंट्स के लिए जरूरी होगा कि वो दो भाषाएं पढ़ें। एक भाषा भारतीय हो, जैसे कि हिंदी, मलयालम, तमिल या कोई और। दूसरी भाषा के तौर पर स्टूडेंट्स अंग्रेजी या कोई दूसरी भाषा पढ़ सकते हैं, या फिर चाहें तो दूसरी भाषा भी भारतीय ले सकते हैं, लेकिन दोनों विदेशी भाषा नहीं ले सकते। Z News.